प्रदेश में लगातार कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। धार जिले में आज एक और व्यक्ति की नोवल कोरोना कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन में खलबली मच गई। धार में मिलने वाला कोरोना वायरस पॉजिटिव का यह दूसरा मामला है। कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मी है जो धार पुलिस कंट्रोल रूम में रेडियो विभाग में पदस्थ है और कंट्रोल रूम की डायल 100 पर सेवाएं दे रहा था। पुलिसकर्मी की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें 8 अप्रैल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था और सैंपल जाँच के लिए इंदौर भेजा गया था। आज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद धार कलेक्टर श्रीकांत बनोट एवं एसपी आदित्य प्रताप सिंह सहित जिले के आला अधिकारियों का अमला पुलिसकर्मी के निवास जानकी नगर में पहुंचा और एरिया को सील करने की कवायद शुरू कर दी। वहीं संक्रमित पुलिसकर्मी लगातार पुलिस कंट्रोल रूम में अपनी सेवाएं दे रहा था। इसके चलते उनके साथ पदस्थ स्टाफ और उनके संपर्क में जितने भी पुलिसकर्मी सहित अन्य व्यक्ति आए हैं, प्रशासन उनकी जानकारी जुटा रहा है ताकि जल्द से जल्द उनकी भी जांच की जा सके। आपको बता दें कि जिले में यह दूसरा संक्रमित व्यक्ति पाया गया है। इससे पहले 8 अप्रैल की रात्रि को भी एक अधेड़ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और आज एक पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया। जानकारी के अनुसार पुलिसकर्मी इंदौर के रहने वाला है और 18 तारीख से यहीं है। आशंका यह है कि बिना बताए इंदौर गया होगा और कोरोना संक्रमित के संपर्क में आया होगा। फिलहाल प्रशासन संक्रमित की हिस्ट्री चेक करने में लगा है। वहीं धार कलेक्टर श्रीकांत भनोट ने कोणासन कर अमित के जानकी नगर स्थित निवास के 3 किलोमीटर के एरिया को कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया। अब इस क्षेत्र में आवागमन को बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। धार जिले में दूसरा पॉजिटिव केस पाया गया है और ये भी धार शहर का है और ये पुलिस डिपार्टमेंट का एक कॉन्स्टेबल है। पहले ही इनका परिवार इंदौर में रहता है तो लॉकडाउन के पहले ये वहीं से आया जाना करता था और उसके बाद यहाँ पे जानकी नगर में प्राइवेट रेंट पे घर लेके यहाँ पे रहते हैं। ये कंट्रोल रूम में पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है। जैसे ही पॉजिटिव आया, हम लोगों ने इसका जो डायरेक्ट और हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स है उनका ट्रेस करना शुरू किया है। उनको पूरे कंट्रोल रूम में जो भी संपर्क में रहता था उन सभी का हेल्थ स्क्रीनिंग ऑलरेडी शुरू हो गया है। और सेकेंडली ये जानकी नगर क्योंकि यहाँ पे रहता था तो यहाँ पे एपिसेंटर मानते हुए यहाँ पे आसपास जो एरिया है उनको कंटेनमेंट एरिया हम लोग घोषित कर रहे हैं और इसमें भी हम लोग अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करके लगभग 15 हेल्थ टीम्स यहाँ पे भी लगा के आज पूरे में या कल तक पूरा हर डोर टू डोर जाकर ये स्क्रीनिंग कर लेंगे और उनमें जो सिम्टोमेटिक केसेस है और ये डायरेक्ट और हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स में जो भी ट्रेस हुए हैं उन सब का भी सैंपल लेना कंपलसरी है। तो वो सैंपल लेने की प्रक्रिया हम लोग करेंगे। जो पहला पॉजिटिव केस पाया गया था उनका, क्योंकि अरविंदो हॉस्पिटल में शिफ्ट हुआ है, वो काफ़ी स्टेबल है। इनफैक्ट जो जानकारी आई है कि उनका हेल्थ इम्प्रूव भी हुआ है। डेफिनेटली इसमें क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे जो डिपार्टमेंट जो है उनको तो वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स लगे हैं इस पूरे एपिडेमिक को संभालने के लिए, उनको भी इंस्ट्रक्शंस है कि वो कहीं से अपडाउन नहीं करेंगे, यहीं से वो काम करेंगे। और उन सभी के लिए यहाँ पे इंतज़ाम भी किया, होटल्स भी लिया हुआ है, हम लोगों ने बहुत सारे सेंटर्स भी अक्वायर किए हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की अलग अलग टीमें लोगों के घर घर जाकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण करेंगी। वहीं एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने कहा कि इस एरिया में किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं मिलेगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए, अभी धार में एक रेडियो के कांस्टेबल हैं, वो अभी पॉजिटिव पाए गए हैं। उनको 8 तारीख को ही आइसोलेट कर दिया गया था और उनके साथ जो दूसरा स्टाफ था उनकी भी स्क्रीनिंग कराई गई थी जो नॉर्मल आई थी। अभी हमने जानकी नगर एरिया जहाँ वो किराए के मकान में रहते थे उसे सील कर दिया गया है। कंट्रोल रूम को भी सील कर दिया है। कंट्रोल रूम में सभी जो स्टाफ पदस्थ हैं उनकी स्क्रीनिंग चल रही है। देखिए, करीब कंट्रोल रूम में 40-50 लोग पदस्थ हैं, सभी की स्क्रीनिंग की जाएगी और ऑलरेडी सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम लगातार कंट्रोल रूम पुलिस लाइंस में चल रहा है। तो 8 तारीख को भी एक बार सैनिटाइजेशन किया गया था, उसके बाद 10 तारीख को भी किया गया था। तो संभवतः हम प्रयासरत हैं कि जितने भी कम लोग हों वो अफेक्ट हों कोरोना से, और पुलिस लगातार इसमें प्रिकॉशंस ले रही है। जो भी व्यक्ति इस केस से जुड़े होंगे उन्हें तुरंत आइसोलेट कर। धार से यूडी न्यूज़ के लिए पन्नालाल बघेल की रिपोर्ट।